so many pieces up back together now. What's your vision? हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में वेलकम है। तो ये उसके बाद का ही व्लॉग है जो सैटरडे का मेरा व्लॉग था, जब मैं पेरेंट्स मीटिंग में गई थी बच्चों के, तो मैंने उसमें डोसे की तैयारी के लिए अपना बैटर का पूरा तैयारी कर दी थी। तो ये उसके नेक्स्ट डे संडे का व्लॉग है। तो बस यहाँ मेरी तैयारी शुरू हो गई है और इनको नहीं पता था मैं इनका वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को सबसे पहले। और आप लोग वीडियो को बहुत स्किप करके देखते हैं, तो वीडियो है ना मेरा एडिट करने का क्या, डालने का ही मन नहीं करता। फिर आप लोग मतलब बोलने भी आते हो कि इस तरह से निराश नहीं होना चाहिए, बोलने में और करने में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम किसी का वीडियो 3 मिनट तो देखा ही जा सकता है। तो प्लीज़ कोशिश करिए 3 मिनट तक वीडियो फुल देखिए और ऐड बिल्कुल स्किप ना करिए। मेरी आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट रहेगी। तो चलिए फिर वीडियो को आगे करते हैं। तो ये मेरा बैटर तैयार हो चुका है और इतना मैंने रोक लिया था क्योंकि मुझे हस्बैंड के लिए ताज़ा ताज़ा ही पीसना होता है, मुझे उसमें खमीर नहीं उठाना था। और ऐसे में भी बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बने थे उनके लिए। और यहाँ कर रही हूँ मैं उपमा की तैयारी क्योंकि संडे के दिन होता है, उन्हें ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। वैसे तो नॉर्मल सुबह 6:30 बजे मेरा खाना बन ही जाता है और फिर मेडिसिंस लेनी होती है, इसलिए मुझे उन्हें नाश्ता भी देना था और इससे बनने में बहुत टाइम लग जाता। और बच्चे अपना दूध और बिस्किट वगैरह, जिसको जो खाना था ब्रेड वगैरह, वो ले चुके हैं। तो यहाँ मैं ये बैटर तैयार कर लेती हूँ इसका। और इसमें मैंने सांभर मसाला तैयार कर लिया है। तो मैं सांभर मसाला घर में ही बनाती हूँ, बाहर से नहीं लेती। घर में भी बहुत ही अच्छा बनता है, वैसे ही फ्लेवर आता है। बस ये है कि थोड़ी मेहनत हमारी डबल लग जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने उपमे में पानी डाल दिया है। तो उपमे के लिए मैंने पानी अलग से गर्म कर लिया था क्योंकि अगर कच्चा पानी डालो ना तो टाइम लग जाता है पकने में। तो मैं पहले ही उबाल लेती हूँ एक तरफ इसके लिए पानी। और यहाँ देखिए बैटर भी तैयार हो चुका है। तो इसके अलग ही बनेंगे उनके लिए, हस्बैंड के लिए, और हम लोगों के लिए अलग बनेंगे। तो मुझे हर बार हर तरह से इसी तरह से ही 2 जगह अलग अलग तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। तुमसे बहुत काम ली तभी तो मैं डोसा मिलेगा। काम बहुत ज़्यादा कराना पड़ेगा तभी खाओगे। क्या हो रहा है ये? हैं? यहाँ से सीखो पहले, इसे रफ करो, ये रफ करो फिर से और यहाँ पे बनाओ, इसे पूरा करो अच्छे से रफ, इसे रफ बो दो इरेजर। ये मुंह में क्या है, ये अंदर चली गई तो हैं? और लेट के कोई पढ़ाई करता है? और मैं भी नहा के आ चुकी हूँ, अब जा रही हूँ मैं अपना काम करने आगे का, अपनी साड़ी पहनूँ, पूजा करूँ। उसके बाद मुझे दाल भी बनानी है, अभी मेरी दाल नहीं बनी है और आलू वगैरह उबल चुके हैं, आलू वो छील रहे हैं। आज सबको काम करना पड़ेगा तब जाके ही काम पूरा हो पाएगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है जब कहीं जाके ये तैयारी हो पाती है। और इसमें तो ख़ासतौर से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैंने कल से ये शुरू किया था। और अरे मैं आपका वेलकम करना तो भूल ही गई। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? और आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ डोसा, जिसकी मैं तैयारी आधी कर चुकी हूँ, अभी आधी रह गई है। तो बस चटनी पीसनी है और आलू की बिस्किट मसाला बनाना है, उसका बैटर डोसे का, जो मसाला उसमें भरा जाता है डोसे के अंदर, वो बनाना है। तो चलिए पहले मैं पहन लेती हूँ अपनी साड़ी और उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी और पूजा के बाद मैं अपना फिर किचन में जाऊँगी। तो चलिए फिर बने रहिए व्लॉग के साथ, जाइएगा नहीं कहीं भी। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे। तो बस वापस मैं अपनी किचन में आ गई हूँ काम करने के लिए, पूजा मेरी हो चुकी है।
तो यहाँ मुझे स्टफिंग की तैयारी करनी है और एक तरफ मैं अपनी दाल की तैयारी भी करूँगी। और दाल मैं यहाँ छौंक के बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड की निकालनी है। और जब मैं दोबारा तड़का लगाऊँगी तो मुझे उसमें रेड चिली का जो सूखी वाली होती है ना उसका यूज़ करना है, तो मैं अपने हस्बैंड को नहीं देती हूँ। और जो मैंने सांभर मसाला भी बनाया है घर में ही, तो उसमें भी थोड़ी बहुत रेड चिली पड़ी हुई है, तो इसीलिए मैं ये मसाला उन्हें नहीं दूंगी। सिंपल सी दाल जो मैंने छौंकी है वैसे ही निकाल लूँगी। और ये जितनी सब्ज़ी दिख रही है मेरे हस्बैंड ने ही काटी है, उस दिन मेरी उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है अकेले मैनेज करना इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई दो लोग हों तो तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाती है और इसे बनाने में टाइम भी बहुत लगता है। तो यहाँ मुझे भी चटनी भी पीसनी है इसकी, तो मैं एक साथ कई सारे काम निपटाती जा रही हूँ कि जिससे ज़्यादा लेट ना हो। तो यहाँ देखिए आलू का वो भी तैयार हो चुका है स्टफिंग, और एक तरफ मैं जो चटनी थी वो पीस रही थी, तो चटनी में बहुत टाइम लग गया था, मैं उसके छिलके उतारना भूल गई थी नारियल के। और देखिए डोसे का बैटर पीसा था तो मेरे यहाँ पे भी लग गया था। और उसके बाद जो कुछ कपड़े थे तो मुझे वो भी अलग करने थे क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म थी, वो मुझे प्रेस भी करनी थी, तो मैं उनको अलग कर लेती हूँ। और जो कपड़े अलमारी में रखने होते हैं वो अलग करके रख देती हूँ। जब मिक्स हो जाते हैं ना तो फिर जब मुझे प्रेस करने होते हैं ना तो फिर ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ बेटी अपना पढ़ रही है और एक जने भी पढ़ रहे थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए वो पढ़ते पढ़ते। तो जी मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए और फिर देखिए मैं किचन में आई थी, मेरी चटनी भी देखिए एकदम पिस चुकी है अच्छे से, मतलब बारीक हो चुकी है और बहुत टाइम लग गया था इसे पीसने में, बार बार मतलब दरदरी ही रह जा रही थी। और ये बारीक ही अच्छी लगती है। और अब मैं इसके छौंके की तैयारी करूँगी और यहाँ मेरी दाल वाल सब तैयार हो चुकी है, बस अब मुझे बनाने की देर है। तो सबसे पहले मैं इसका तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो बिल्कुल सिंपल सा ही लगाना है, राई का और उसका करी पत्ता, इन्हीं का मुझे तड़का लगाना है। तो जी मैंने हस्बैंड की दाल निकाल दी है और यहाँ मैंने इमली का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो भी मैंने डाल दिया है। और दाल काफ़ी गाढ़ी थी तो एक तरफ मैं पानी भी उबलने के लिए रख दे रही हूँ दाल में डालने को। और यहाँ तड़का भी इसका तैयार हो चुका है तो मैं इसमें चटनी में भी तड़का लगा दूँगी। और दाल भी मैं छौंक चुकी हूँ, इसी बीच में अभी मैं आपको बस उसे डिलाते ही दिखाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, काफ़ी कुछ स्किप करना पड़ा मुझे। तो यहाँ दाल में मैं तड़का और उसका मसाला डाल चुकी हूँ और यहाँ मैंने पैन चढ़ा दिया है डोसा बनाने के लिए। तो इसमें मैंने ऑयल बस एक ही चम्मच डाला और इसे मैं पूरे में फैला दूँगी, इसके बाद मैं अब दोबारा ऑयल नहीं लगाऊंगी, इसी में ही हो जाएगा। तो यहाँ मैं गाय के लिए बना रही हूँ अभी, और गाय के बाद फिर मैं ठाकुर जी के लिए बनाऊंगी और उसके बाद फिर सभी को अपना दूंगी। तो ये मैं गाय के लिए, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह पड़ गई थी दाल में और आलू में, तो बस मैंने चटनी ही गाय के लिए निकाल दी और बस अभी पहले गाय का भिजवा दूंगी और उसके बाद ठाकुर जी के लिए भी भोग लगा दिया मैंने और बच्चों को भी बना के दे दिया है। तो बच्चे अपना लेके जा रहे हैं, बहुत वेट कर रहे थे मम्मी जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, तो बेटे को हस्बैंड खिला देंगे और बेटी अपने आप खा लेगी। तो अगर मेरे आज के वीडियो में किसी को बहुत बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। और जब तक पहले बच्चे खा लें उसके बाद मैं हस्बैंड को दूँगी। तो बस और आज के वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और वीडियो मेरा ज़्यादा से भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिल